वरुण धवन और सारा अली खान की आने वाली फिल्म यानी कुली नंबर वन की बात करें तो जहां ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है क्योंकि ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म का रिमेक होने वाली है, लेकिन एक बार फिर से ये फिल्म खबरों में बन गई है। लेकिन इसकी वजह कुछ और ही है क्योंकि सारा अली खान और वरुण धवन की इस फिल्म के सेट पर रिसेंटली एक हादसा हो गया। जी हाँ, ये हादसा ये हुआ कि रात के 12:30 बजे के करीब इस फिल्म के सेट्स पर आग लग गई, लेकिन इस फिल्म के सेट्स पर उस टाइम 15 क्रू मेंबर्स मौजूद थे जिनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने इसके बारे में फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया। लेकिन इसमें कितना नुकसान हुआ है, सेट्स पर कितनी चीजें जल गई हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कितना नुकसान हुआ है इसकी रिपोर्ट्स फिलहाल नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इतना बता सकते हैं कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फिल्म की तो यह फिल्म 1995 में आई थी, जिसमें हमें गोविंदा और करिश्मा कपूर नजर आए थे। उस समय ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था और इस फिल्म ने गोविंदा और करिश्मा की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया था। अब देखना ये होगा कि सारा अली खान और वरुण धवन उस केमिस्ट्री को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं स्क्रीन पर। और अगर हम बात करें फिल्म की डायरेक्शन की तो 1995 में गोविंदा के लिए भी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने, तो एक बार फिर से डेविड धवन अपने बेटे यानी वरुण धवन के लिए इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सारा और वरुण की ये फिल्म ऑडियंस को कितना पसंद आती है।